नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ पीआर और मैं हूँ आपके साथ खुशी सिंह। यूजीसी ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया। आपको बता दें कि यूजीसी ने बिहार के विद्यालयों को डिफॉल्टर साबित कर दिया। बता दें कि कुल मिलाकर 157 विश्वविद्यालय, जिसमें 108 स्टेट विश्वविद्यालय, तो वहीं 47 जो है इसमें प्राइवेट विश्वविद्यालय और 2 डीम्ड विश्वविद्यालय इसमें शामिल है। बता दें कि लोकपाल को कॉलेजों में नहीं शामिल करने के कारण यूजीसी ने यह फैसला लिया है और इसकी सूची जारी करके इनको डिफॉल्टर साबित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यूजीसी ने निर्देश दिया था कि कुछ कॉलेजेस की, जो भी सारे कॉलेजेस को लोकपाल शामिल करना ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कॉलेजेस हैं वो ऐसा लोकपाल को शामिल करने का निर्णय नहीं ले रहे थे। इस कारण से उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है और अब यूजीसी इसके तहत बड़ा एक्शन ले सकती है। बिहार में 3 सरकारी तथा 2 निजी विश्वविद्यालय को इस सूची में शामिल किया गया है। सरकारी विश्वविद्यालयों में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय पटना, बिहार चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय पटना एवं तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर शामिल हैं। निजी विश्वविद्यालयों में अल करीम विश्वविद्यालय कटिहार और माता गुजरी विश्वविद्यालय किशनगंज शामिल है। विश्वविद्यालयों में छात्रों की समस्या सुनने के लिए लोकपाल की नियुक्ति करना अनिवार्य होता है। इस पैच यह छात्रों की शिकायतों का निवारण करता है। यूजीसी की ओर से देश भर के सभी विश्वविद्यालयों को लोकपाल की नियुक्ति करने को लेकर कई बार स्मारित भी किया गया, लेकिन इसकी नियुक्ति नहीं होने के बाद यूजीसी ने अपनी डिफॉल्टर सूची जारी की। यूजीसी की ओर से डिफॉल्टर की सूची जारी होते ही इन विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति की कार्रवाई तेजी से आरंभ कर दी गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया था। इसमें विश्वविद्यालयों को 100% लोकपाल की नियुक्ति करनी होती है। यह लोकपाल छात्र छात्राओं की समस्या को संज्ञान लेकर उनके समाधान का उपाय सुझाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालयों में सेवानिर्मित न्यायाधीशों की नियुक्ति लोकपाल में किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।